नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं एक नया YouTube चैनल जिसका नाम है जय भीम रिव्यूज। इस चैनल के द्वारा हम आपके सामने अंबेडकर राइट मूवमेंट से जुड़ी हुई जो किताबें हैं उनका रिव्यू करेंगे। दोस्तों, ये जो किताबें हैं फैक्ट बेस्ड किताबें हैं, दे आर नॉट फिक्शनल। फिक्शन के हम रिव्यूज़ नहीं करने वाले हैं। ऐसी किताबें जिनका आने वाली जो जनरेशन है उनको फ़ायदा हो, उनको अंबेडकर राइट मूवमेंट के बारे में पता चले, और ये भी एक उद्देश्य है कि जो लोग पढ़ते नहीं हैं, जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, उनके अंदर भी अंबेडकर राइट मूवमेंट के जो किताबें हैं उनके बारे में वो पढ़े और उनको समझ ले, तो वो इंटरेस्ट पैदा हो, इसलिए हमने ये चैनल शुरू किया है। तो हम एक छोटे छोटे वीडियोस के द्वारा आपके सामने एक एक किताब डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो किताबें पूरी की पूरी हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है या फिर जितना जिससे हमें इंस्पिरेशन मिले उतना ही हम पार्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि कुछ चीज़ें रह जाए, कुछ चीज़ें हम यहाँ पर ना बोल पाए या फिर डिस्कस नहीं होगी, तो वो आप किताब पढ़ के उसको डिस्कस कीजिए और उसका जो रिव्यू आपको कैसे लगी वो किताब, या फिर उसके बारे में आप कमेंट में आपके कमेंट्स डाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये किताब काफ़ी पुरानी है। ये किताब लिखी है, इस किताब का नाम है शिवाजी कौन होता। एक्चुअली ये एक मराठी किताब है और ये लिखी गई है कॉमरेड गोविंद पानसरे साहब के द्वारा। दोस्तों, आपको शायद पता होगा कि कॉमरेड गोविंद पानसरे साहब बहुजन समाज में शिवाजी महाराज के बारे में जन जागृति करने में काफ़ी उनका योगदान रहा है, और उन्होंने काफ़ी अपने पूरे जीवन काल में काफ़ी मेहनत की है, और ये जो उन्होंने जो ये हर जगह जाकर जो भाषण दिया करते थे शिवाजी महाराज के बारे में, तो उसी भाषण को उनके जो मित्र थे या फिर उनके जो उनके साथ जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा कि इतना अच्छा भाषण देते हो तो आप उसको ही एक किताब के ज़रिए आप उसको प्रकाशित कीजिए और लोगों के लिए वो एक फ़ायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, उन्होंने ये जो है उनका जो स्पीचेस जो वो हर जगह देते थे और शिवाजी के बारे में लोगों में जो जागृति निर्माण करते थे, तो उन्होंने ये किताब के द्वारा इसको प्रकाशित किया था। तो किताब का नाम है शिवाजी कौन होता। दोस्तों, एक बात मैं आपको यहाँ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 1980s का जो ज़माना था, तब शिवाजी महाराज को सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू धर्म का राजा के नज़र से देखा जाता था, और उनको बस हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जिन्होंने तलवार हाथ में ली थी, और एक युद्ध करने वाला राजा, इतना ही उनका एक इमेज बन चुकी थी हम कह सकते हैं। तो दोस्तों, उस ज़माने में गोविंद पानसरे साहब ने अपने अनेक भाषणों के जरिए लोगों को ये बताना ज़रूरी समझा कि शिवाजी महाराज सिर्फ हिंदू राजा नहीं थे, और उन्होंने सिर्फ तलवार से लड़ने वाला ही राजा वो नहीं था। शिवाजी महाराज जो थे वो एक उनकी जो एक मानवतावादी दृष्टि थी, उनका जो स्वराज्य था वो हर तबके के हर समाज के लोगों के लिए वो कितना फ़ायदेमंद था। जो अलग अलग जो डायमेंशंस है शिवाजी महाराज के कार्य के, तो उनको हर एक डायमेंशन को गोविंद पानसरे साहब ने उनके भाषणों द्वारा या फिर इस किताब के द्वारा लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है। तो जैसे कि शिवाजी महाराज सिर्फ तलवार हाथ में लेकर दुश्मनों के साथ या फिर मुसलमानों के साथ लड़ते थे, ये जो लोगों का जो ये था, उनकी गलतफहमी थी लोगों की, तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ तलवार से लड़ने वाले नहीं थे, तो एक मानवतावादी दृष्टिकोण था। मुसलमानों के वो खिलाफ नहीं थे, वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं लड़े हैं या किसी धर्म के लिए नहीं लड़े हैं, वो आम जनता के लिए लड़े हैं। जैसे कि उनको मराठी में कहा जाता है कि रईतेचा राजा, मतलब जनता के वो राजा थे, या फिर उनको जानता राजा भी कहते हैं। जानता मतलब जो जान लेता है, जो आम जनता की भावनाओं को समझता है, ऐसा एक राजा वो थे। तो
पहली बात तो ये इस किताब में जो लिखी है वो यह है कि वो कोई धर्मांध राजा नहीं थे, धर्म के लिए उठाई तलवार और काटने लगे सारे दूसरे धर्म के लोगों को, ऐसे वो धर्मांध राजा नहीं थे। वो धर्मवान राजा थे, धर्म को जानने वाले राजा थे और उनका धर्म था मानवतावादी धर्म। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने कहा है दोस्तों। और चीज़ें जो इस किताब में उन्होंने लिखी है कि शिवाजी महाराज जो थे ये धर्म के लिए लड़ने वाले नहीं थे, वो परमेश्वर के किसी ईश्वर के अवतार तो बिल्कुल नहीं थे, या फिर जैसे कि कहा जाता है कि शिव शंकर के अवतार है या विष्णु के अवतार है, ऐसे भी वो राजा नहीं थे, या फिर भवानी जो हिंदू धर्म में देवी है उन्होंने उनको तलवार दी थी, ये भी बात एकदम सफ़ेद झूठ है, ऐसी कोई बात तब हुई नहीं थी। तो इस किताब में पांसरे साहब ने शिवाजी महाराज को अन्य जो हिंदू राजा थे जैसे कि महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, इनके साथ उन्होंने कंपेयर किया है। और वो इसमें कहते हैं कि शिवाजी महाराज जो थे वो सक्सेसफुल हुए हैं, उनका साम्राज्य बड़ा है और जनता में वो लोकप्रिय रहे, उसकी वजह यही है कि उन्होंने जनता के लिए काम किया है, ना कि किसी धर्म के लिए काम किया है। दोस्तों शिवाजी महाराज के बारे में ये भी उन्होंने कहा है कि खुद शिवाजी महाराज के जो काफ़ी मुसलमान सरदार थे, काफ़ी उनके सैन्य में, उनके सैनिकों में काफ़ी मुसलमान लोग थे दोस्तों। उसी के साथ उन्होंने ये भी डिस्कस किया है कि जैसे शिवाजी महाराज के दरबार में काफ़ी हिंदू मुसलमान सरदार थे, ठीक उसी तरह मुसलमान जो राजा थे, मुसलमान जो बादशाह थे उनके ज़माने में, तो उनके यहाँ पर हिंदू सरदार बहुत थे। तो उनकी पूरी की पूरी एक लिस्ट उन्होंने दी है कि कैसे हिंदू सरदार जो हिंदू राजा जो थे वो मुसलमान या फिर मुगल सम्राट के लिए काम करते थे। उनकी एक लिस्ट में थोड़ा नाम बताता हूँ आपको, राजा राय सिंह सिसोदिया, सुजन सिंह बुंदेला, हरिभान गौर, उदयभान गौर, शेर सिंह राठौड़, चतुर्भुज चौहान, मित्रसेन, इंद्रभान बुंदेला, बाजी चंद्र राव, गोविंद राव। तो दोस्तों ये सारे जो थे ये हिंदू राजा होकर भी मुसलमान बादशाहों के यहाँ पर काम करते थे। तो दोस्तों उस जमाने में जैसे कि कहा जाता है कि हिंदू राजा शिवाजी और सारे मुसलमान जो थे उनके बीच में ये लड़ाई थी, ऐसे बिल्कुल नहीं था। शिवाजी महाराज के पास भी मुसलमान सरदार थे और जो मुसलमान राजा थे उनके जो दुश्मन थे उनके पास भी काफ़ी जो हिंदू सरदार उनके पास भी थे। अब एक और चीज़ जो कही जाती है कि मुसलमान जो थे वो जो हिंदू टेम्पल से हिंदू मंदिर जो है उनको तोड़ते थे, उनका अपमान करते थे, तो ये भी बात जो है गोविंद पानसरे साहब इसको भी झूठ कहते हैं, ऐसे नहीं था। उन्होंने काफ़ी जो रेफरेंसेस है, जो इतिहास तज्ञ है, जो इतिहास जानने वाले जो लोग हैं, जिन इतिहास के विद्वान हैं, उनके जो स्टेटमेंट्स है उन्होंने इसमें लिखे हुए कि ऐसा नहीं था कि शिवाजी महाराज के काल में मुसलमान राजा जो थे वो हिंदुओं के मंदिरों का अपमान करते थे या उनको उनको तोड़ फोड़ करते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। और एक बात पानसरे साहब ने इस किताब में कही है कि जो मुसलमान बादशाह थे वो हिंदू जनता के प्रति काफ़ी उनका एक मानवता भरा उनका दृष्टिकोण रहा करता था, सहिष्णुता जो है वो उनकी देखी जा सकती है। उनके काफ़ी रेफरेंसेस उन्होंने दिए हैं कि कैसे जो बादशाह अकबर है या फिर जो शाइस्ते खान है उन्होंने जो है, या फिर शाहजहान जो है, शाहजहान के जो पुत्र रहे दारा शिकोह, उनके बारे में उन्होंने कैसे सहिष्णुतापूर्ण काम किया है। और दोस्तों एक बहुत बड़ी मज़े की बात पानसरे साहब ने अपनी इस किताब में लिखी है कि शिवाजी महाराज को
उस जमाने में जो उनसे भी जो बड़े सरदार थे, उनके जो पिताजी शाहजी महाराज से भी बड़े सरदार थे, उन सरदारों जो ऐसे सरदार जो आदिल शाह या फिर निज़ाम के पास या फिर औरंगजेब के पास जो काम करते थे, ऐसे सरदारों ने कैसे इनको शूद्र कह के इनको सपोर्ट नहीं किया और शिवाजी महाराज के नेतृत्व में काम करने से इनकार कर दिया, इनका जो रेफरेंस है ये इसमें आया है। ऐसे जो मराठा सरदार थे जो खुद को उच्च कुलीन समझते थे, ऐसे जो मराठा सरदार थे जो खुद को शाहनो कुल के कहते थे, और स्वाभाविक है तब के जो ब्राह्मण जो अधिकारी या फिर ब्राह्मण लोग थे तो उनका तो विरोध तो था ही। ये भी यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है कि शिवाजी महाराज को जो पदवी लगाई गई थी कि गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ये भी इस पुस्तक में लिखा गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक जब होने वाला था तब महाराष्ट्र के सारे ब्राह्मणों ने उनका विरोध किया। और एक और बात कही है इस किताब में कि जब मिर्ज़ा राजे जयसिंह शिवाजी महाराज को हराने के लिए महाराष्ट्र में आए थे तब महाराष्ट्र के ब्राह्मण जो लोग थे उन्होंने एक कोटिचंड यज्ञ किया था कि मिर्ज़ा राजे जयसिंह वो जीत जाए और शिवाजी महाराज की पराजय हो जाए। सो दोस्तों, काफ़ी इसमें घटनाएं जो है उनको मेंशन किया गया है। इस किताब में आखिर में पानसरे सर ये भी कहते हैं कि शिवाजी कोई अवतार नहीं था, वो एक महापुरुष थे। उनकी जो विचारधारा है, उनके जो विचार है वो उनको महान बनाते हैं। कोई भवानी देवी ने कोई उनको तलवार नहीं दी है। ये भी कहा गया है कि जो अंधभक्त है उनसे ही शिवाजी महाराज को बहुत बड़ा धोखा पहुंचा है। तो दोस्तों, ये जो किताब है ये काफ़ी हमें जो इन्फॉर्मेशन है देती है, इन्फॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। छोटी सी किताब है, कोई बड़ी किताब नहीं है, एकदम छोटी सी पतली वाली किताब है। इस किताब से काफ़ी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है, और शिवाजी महाराज के बारे में जानने के लिए एक हमें सोर्स उपलब्ध होता है, उनकी जो अलग अलग डायमेंशंस है, उनकी जो विचारधारा है समझने के लिए। तो ये किताब आप ज़रूर पढ़ें। ये भी हमें समझना होगा कि ऐसे ज़माने में ये किताब लिखी गई है, ऐसे वक्त में ये भाषण दिए गए हैं जब शिवाजी महाराज को ब्लाइंडली फॉलो किया जाता था, उनकी अंधभक्ति जोरों शोरों से चल रही थी, उनको समझने की, उनको स्टडी करने की किसी ने ज़रूरत नहीं समझी थी। तो दोस्तों, उस ज़माने में ये उन्होंने काम किया और उनको काफ़ी उसकी सराहना की गई, उन लोगों ने उनको स्वीकारा, इस किताब को पढ़ा लोगों ने, इसकी वजह से काफ़ी जन जागृति हुई। तो स्वाभाविक है कि कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, और जो कट्टर हिंदुत्ववादी जो अंधभक्त हैं उन्होंने इसका विरोध किया, या फिर कह सकते हैं कि शायद इसी की वजह से उनका जो गोविंद पानसरे साहब का जो कार्य था उसी की वजह से उनकी कुछ सालों पहले हत्या की गई। सो दोस्तों, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप इस किताब को खरीदें, इसको पढ़ें। कोई ये कोई महंगी किताब नहीं है। थैंक यू सो मच।